दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पाठ में देखा था कि मिस्टी के बोलने पर सभी बच्चे डांस क्लास में आ जाते हैं, पर किसी को डांस करने का मन नहीं था, इसलिए मिस्टी के चिल्लाने पर सभी डांस करने के लिए मान जाते हैं। डांस करते समय निक नीचे गिर जाता है, जिसके बाद फ्रांसिस उसे मारता है। यह देखकर गुप्ता जी और मिश्रा जी को गुस्सा आता है और फ्रांसिस को खूब मारते हैं। स्कूल में छुट्टी होने के बाद मिस्टी अपने साथ फ्रांसिस को लेकर जंगल जाने लगती है, जहां उसका दोस्त वैम्पायर रहता है। मिस्टी के बोलने पर वैम्पायर अपने ब्लैक मैजिक का यूज करता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। डरावनी आवाज आने से फ्रांसिस को डर लग रहा था, क्योंकि वह पहली बार ऐसा आवाज सुना था। पता नहीं मिस्टी के दिमाग में क्या चल रहा है, कहीं वो ब्लैक मैजिक से सभी बच्चों को मारना तो नहीं चाहती है। फ्रांसिस के दिमाग में कुछ से कुछ चल रहा होता है, पर तभी वहाँ कंकाल वाला भूत आ जाता है, जिसे देखकर फ्रांसिस का हालत खराब होने लगता है। मिस्टी, ये अचानक कंकाल कहाँ से आ गया? कहीं ये वैम्पायर का तो काम नहीं? तुमने बिल्कुल सही कहा फ्रांसिस, पर अब इस कंकाल की मदद से मैं सभी बच्चे को सबक सिखाऊंगी। स्कैरी टीचर, ये कंकाल अब तुम्हारा बात मानेगा, तुम जैसा चाहोगी ये वैसा ही करेगा, और याद रहे इसके अंदर ब्लैक मैजिक की शक्तियां हैं। वैम्पायर का बात मिस्टी समझ जाती है, जिसके बाद वह कंकाल को गायब होने को बोलती है। स्कैरी टीचर के बोलते ही कंकाल गायब हो जाता है, जिसे देखकर मिस्टी और फ्रांसिस बहुत खुश हो जाता है। चलो फ्रांसिस, अब बच्चों के अंदर फिर से अपना खौफ वापस लाते हैं। बच्चों को डराने के लिए मिस्टी और फ्रांसिस कंकाल को लेकर वहां से वापस शहर की तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर में मिस्टी और फ्रांसिस शहर में पहुँच जाते हैं। फ्रांसिस, गुप्ता जी और मिश्रा जी को हमारे बारे में पता चल गया है, इसलिए उसे मरना होगा, पर उससे पहले निक को सजा मिलेगी। उसके अंदर मिस्टी का खौफ वापस लाना है। निक के अंदर अपना खौफ लाने के लिए मिस्टी और फ्रांसिस उसका घर जाने लगता है। कुछ देर के बाद दोनों निक का घर पहुंच जाता है और साथ में कंकाल वाला भूत होता है। फ्रांसिस, वो देखो, निक का घर। हमें उसे घर से बाहर निकालना है और फिर उसके बाद निक की खैर नहीं। मिस्टी, वो मुझ पर छोड़ दो, मैं अभी निक को घर से बाहर निकालता हूँ। मिस्टी की बात मानते हुए फ्रांसिस निक का घर जाने लगता है, और इधर मिस्टी कंकाल को अपना प्लानिंग बताती है। निक को घर से बाहर निकालने के लिए फ्रांसिस उसके घर की घंटी बजाकर वहां से निकल जाता है। नहीं, मुझे नहीं लगता वो सुधरने वाली है, लगता कोई आया है, मैं अभी देख के आता हूँ। घर की घंटी बजने पर निक बाहर जाने लगता है। निक घर से बाहर आकर देखता है तो वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता है। अजीब बात है, अभी तो मैंने घंटी की आवाज सुनी थी, पर यहाँ तो कोई नहीं है। निक वापस घर के अंदर जाने के लिए जैसे ही अपने पीछे मुड़ता है, तभी उसे अपने सामने कंकाल दिखाई पड़ता है। कोई मुझे बचाओ, मजा आ गया निक को डराने में, अब चलो पीछे से हम दोनों से डराते हैं। निक को पीछे से डराने के लिए मिस्टी जैसे ही वहाँ से निकलने वाली थी, तभी मिस्टी देखती है कि निक का घर से गुप्ता जी और मिश्रा जी बाहर निकला है। निक, निक क्या हुआ, तुम चिल्लाए क्यों? हाँ निक, क्या हुआ, तुम इतना घबराए हुए क्यों? भूत, यहाँ कंकाल वाला भूत था। क्या, यहाँ भूत? गुप्ता जी चलिए वापस से घर। अरे मिश्रा जी, तुम इतना डरते क्यों हो? ऐसा कुछ नहीं है, यदि भूत होता तो हमें भी दिखाई देता ना। वो सब मैं नहीं जानता, हमें जल्दी घर के अंदर चलना चाहिए। मिश्रा जी का बात मानते हुए सभी घर के अंदर जाने लगते हैं। मिस्टी, हमारा प्लान तो फेल हो गया, निक गुप्ता जी और मिश्रा जी के चलते बच गया। फ्रांसिस, मुझे पता नहीं था गुप्ता जी और मिश्रा जी निक के साथ है, पर कोई नहीं, इतना तो पता चल गया कि मिश्रा जी भी भूत से डरता है। मिस्टी, तुम्हारे दिमाग में कहीं कुछ खिचड़ी तो नहीं पक रही है? फ्रांसिस, बस तुम देखते रहो आगे क्या होता है। गुप्ता जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं निक के घर से बाहर नहीं जाऊंगा।
हाँ गुप्ता जी, आज आप यहाँ से नहीं जाइए, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, मैं यहीं रहूँगा। चलो तुम दोनों सो जाओ, मैं यहीं जागता हूँ ताकि तुम्हें कोई डर ना हो। गुप्ता जी की बात मानते हुए मिश्रा जी और निक सोने चला जाता है और गुप्ता जी वहीं जागे रहते हैं। अच्छा हुआ मैं निक का घर आ गया था, नहीं तो अभी निक के साथ बहुत बुरा होता। पर क्या यहाँ सच में भूत आया था? गुप्ता जी सोच रहे होते हैं कि आखिर कौन हो सकता है वह भूत, पर तभी उन्हें घर की घंटी बजते हुए सुनाई पड़ती है। इतनी रात को अब कौन आ सकता है? कहीं निक के मम्मी पापा तो नहीं? पर वो तो कल आएंगे, ऐसा निक ने बोला था। अगर उसके मम्मी पापा नहीं है तो कौन? कहीं भूत तो नहीं? मुझे जाकर देखना चाहिए। गुप्ता जी अकेले बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें कहीं कोई दिखाई नहीं देता है। यहाँ तो कोई नहीं है, पर मैंने तो घंटी बजने की आवाज़ सुनी थी। गुप्ता जी जैसे ही अपने पीछे मुड़ते हैं तभी उनके सामने कंकाल आ जाता है और गुप्ता जी को डराने की कोशिश करता है, पर गुप्ता जी डरते नहीं हैं। अच्छा तो तुम हो भूत, तू तो गया अब। गुप्ता जी एक मुक्का जोर का लगाते हैं जिसके बाद कंकाल नीचे गिर जाता है। निक को क्यों डराना चाहते हो, जल्दी बोलो नहीं तो मैं तुम्हें मार मार कर हालत खराब कर दूंगा। मिस्टी ये क्या, कंकाल वाला भूत तो मार खा रहा है, उसे वहाँ से भागने बोलो नहीं तो वो हमारा नाम बोल देगा। फ्रांसिस की बात सुनकर और कंकाल को मार खाते हुए देखने के बाद भी मिस्टी खुश थी। मिस्टी तुम खुश हो आखिर क्यों, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? बताओ जल्दी से, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? गुप्ता जी के काफी पूछने पर भी कंकाल कुछ नहीं बताता है और वो अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद गुप्ता जी उसका पीछा करने लगते हैं। ये क्या मिस्टी, कंकाल को पकड़ने के लिए गुप्ता जी उसका पीछा करने लगा। फ्रांसिस मैं यही चाहती थी, गुप्ता जी यहाँ से दूर हो जाए और फिर उसके बाद बहुत मजा आएगा। गुप्ता जी कंकाल का पीछा कर रहे थे पर तभी कंकाल गायब हो जाता है। भाग गया कंकाल, अगली बार निक के घर आया तो तुम बच नहीं पाओगे। निक, अरे ये क्या, मैंने तो उन दोनों को अकेले ही छोड़कर यहाँ आ गया। गुप्ता जी को अचानक ध्यान आता है कि निक और मिश्रा जी अकेले घर में हैं और यदि उन्हें पता चल गया कि गुप्ता जी वहाँ नहीं है तो दोनों बहुत डर जाएंगे। गुप्ता जी जल्दी से निक के घर पहुँचते हैं। घर पहुँचते ही गुप्ता जी जल्दी से अंदर जाते हैं, पर ये क्या, वहाँ तो मिश्रा जी और निक है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है, निक और मिश्रा जी तो यहीं पर था, पर दोनों कहाँ जा सकता है? तो दोस्तों आपको क्या लगता है, निक और मिश्रा जी कहाँ हो सकता है? क्या उन्हें कोई पकड़ तो नहीं लिया, पर कौन, हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।